नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसे सूरज हमारी पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार चांद भी पृथ्वी के लिए महत्व रखता है। चांद के बिना हमें पृथ्वी पर रात के समय कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चांद कई अरबों सालों से धरती के चक्कर लगा रहा है। अगर चांद गायब हो जाए तो उससे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों आपको बता दें कि चांद हर साल हमारी पृथ्वी से दूर जा रहा है। इन सब सवालों के जवाब हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए वीडियो करते हैं। दोस्तों नासा को अभी इस बात का डर लगने लगा है कि क्या एक दिन चांद हमारे पृथ्वी से दूर चला जाएगा और पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा चांद प्रतिवर्ष 1.5 इंच पृथ्वी से दूर जा रहा है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर अपना खास असर डालती है। चांद की वजह से ही पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगर चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर चला जाएगा तो पृथ्वी अंतरिक्ष में कहीं पर भी चली जाएगी और किसी भी उल्कापिंड से टकरा जाएगी, और फिर वैज्ञानिक भी पृथ्वी पर आने वाली महाप्रलय और उल्कापिंडों का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। जब ये दोनों दूर होते जाएंगे तो सूरज दोनों ग्रहों को ही नष्ट कर देगा। शुरुआत में जब चंद्रमा का निर्माण हुआ था तब चंद्रमा पृथ्वी के इतना करीब था कि उसे पृथ्वी का चक्कर लगाने में 5 घंटे ही लगते थे, जिससे कि उस समय का एक दिन सिर्फ 5 घंटे का ही होता था। लेकिन जैसे जैसे चांद की पृथ्वी से दूरी बढ़ी, वैसे वैसे एक दिन में घंटे भी बढ़ने लगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले लाखों साल बाद यदि पृथ्वी नष्ट न हुई तो वहां 47 घंटे का एक दिन होगा। पृथ्वी पर ज्वार भाटे निर्माण से पृथ्वी हल्की सी फूल कर वापिस उसी अवस्था में आती है, जिससे कि पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति पर बल लगता है और चंद्रमा पृथ्वी से दूरी बनाता जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 50 अरब साल तक यदि पृथ्वी अस्तित्व में रही तो चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 47 दिन लग जाएंगे। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कि चंद्रमा और पृथ्वी दूर जाने से पृथ्वी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल के नीचे एक लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑन कर ले। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूले।